गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. टुडे वील रीड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स मेजर्स. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. So how monetary policy is used to correct the situation of excess demand? Its two type of measures are there, quantitative measures and qualitative measures. Quantitative measures, repo rate is that rate of interest at central bank at which central bank gives loans to commercial banks. So when there is excess demand, central bank raises repo rate. रेपो रेट राइज करने से जो लोन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कमर्शियल बैंक्स भी अपने लोन्स को महंगा कर देते हैं एंड पब्लिक इज डिस्करेज्ड टू टेक द लोन्स. सो इट इज़ फर्स्ट मेजर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड. सेकेंड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. So when there is situation of excess demand in the economy, central bank brings flow of money. So it is done to influence the cash reserve with commercial banks. When there is situation of excess demand, central bank buys the securities from commercial banks. कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई ख़रीदता है कमर्शियल बैंक से तो मनी फ्लो नहीं, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और कमर्शियल बैंक्स उसको परचेज करते हैं. देन मनी गोज टू आरबीआई एंड लेंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स रिड्यूसेस. यस, एंड व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इट गोज रिवर्स. So, what is the effect on money supply? When there is need to reduce money supply in the economy, the central bank starts selling securities. Central bank securities ko sell karte hain, commercial banks usko purchase karte hain, and money flow goes to RBI. Next is LRR, legal reserve ratio. LRR is the minimum ratio of deposits of commercial banks which banks are legally required to keep in the form of cash with themselves and central bank. LRR, legal reserve ratio, it has two different reserves. One is CRR, other is SLR. CRR, cash reserve ratio, which all the commercial banks are required to keep in RBI, and SLR, which all the commercial banks have to keep with themselves. So both are the types of LRR. So when the situation of excess demand, RBI increases the rate of CRR and SLR. Next is qualitative measures. So how the qualitative measures help? First is moral suasion. This refers to written or oral advice given by the central bank to commercial banks to restrict or expand credit. इसमें सभी कमर्शियल बैंक्स से आरबीआई रिक्वेस्ट करता है, मॉरली परसुएड करता है कि आप क्रेडिट कंट्रोल करिए या क्रेडिट को एक्सपेंड करिए एज द सिचुएशन डिमांड्स. एंड नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज कोलेटरल्स दैट बैंक्स डिमांड ऑन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड. तो ऐसे में मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाता है ताकि जब मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा सभी पब्लिक के लोगों को लोन लेने के लिए, देन पब्लिक विल डिस्करेज टू टेक द लोन. एंड नेक्स्ट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विच इज एग्जैक्टली रिवर्स टू एक्सेस डिमांड. व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट द डिमांड इज सेट टू बी डेफिशिएंट डिमांड एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड डीफ्लेशनरी गैप. एज आई हैव टोल्ड यू द डायग्राम ऑफ इनफ्लेशनरी गैप, द रिवर्स पोजिशन इज डीफ्लेशनरी गैप. यू कैन सी
इट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, इट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड इट इज एग्रीगेट डिमांड दैट फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. बट व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट देन इक्विलिब्रियम लेवल देन दिस गैप इज कॉल्ड डीफ्लेशनरी गैप. इट इज इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बट इफ इन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देन दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप. इट मीन्स डिमांड लेवल इज क्वाइट लो इन द इकोनॉमी एंड डिफ्लेशन इज देयर. सो इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट देन द डेफिशिएंसी और गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. सो व्हाट मे बी द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड फॉल इन गवर्नमेंट. ऑल द रीजंस ऑल द इम्पैक्ट्स आर जस्ट रिवर्स. इफ यू हैव रेड केयरफुली एक्सेस डिमांड यू कैन डू द रिवर्स सिचुएशन. यू कैन राइट वाइस वर्सा इन दिस. Fall in government expenditure, fall in level of autonomous investment, fall in private consumption expenditure, fall in money supply, all are the causes of deficient demand. And what are the impacts? It leads to fall in prices. जब demand ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो उसके prices लगातार fall होने शुरू हो जाते हैं. As a result, fall in level of income, output and employment. And if there is continuous fall in deficient demand, it leads to a state of depression in the इकॉनमी एंड इट इज मार्क्ड बाई ओवर प्रोडक्शन. जब सेल नहीं है डिमांड नहीं है तो देन देयर इज द सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन. सो वॉट कैन बी द मेजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल पॉलिसी एज वी हैव रेड इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट विल इंक्रीज एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू पॉलिसी गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्स रेट. गवर्नमेंट बोरोइंग विल बी डिस्करेज्ड. डेफिशिट फिनेंसिंग विल बी एनकरेज्ड. डेफिसिट फाइनेंसिंग एनकरेज की जाएगी और एडिशनल करेंसी इशू की जाएगी ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़े और डिमांड लेवल हाई हो. एंड मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक. सो क्वांटिटेटिव मेजर्स रेपो रेट विल बी रिड्यूस्ड. ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI विल बाय सिक्योरिटीज एंड मनी फ्लो विल गो बैक टू कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स लेंडिंग पावर विल इंक्रीज. Legal reserve ratio, it will also be reduced. And qualitative measures, margin requirement will also be reduced. Kam margin manga jayega, kam collaterals ki demand hogi, to logon ko loans lene mein easy rahega. Moral suasion, sabhi commercial banks ko advice di jati hai, morally persuade kiya jata hai that they should expand credit. Rationing of credit, it means fixation of credit quotas for different business activities. So through credit rationing, central bank can promote social justice while checking state of depression. तो वो अलग अलग purposes के लिए credit को control करके इस situation को recover कर सकता है. And direct action, sometimes central bank have to take direct action against those banks who do not follow the guidelines. And export promotion, more exports have the effect of increasing aggregate demand which helps reduce deflationary gap. So students read thoroughly this chapter. There are many important topics which I have discussed. Read them thoroughly. Make your own notes with the help of textbook and NCERT book. So students, this chapter is over today. It's all for today. Thank you.